स्वागत और अभिनंदन। आज इस वीडियो के सौजन्य से एक प्रश्न का हल निकाला जाएगा जो कि राष्ट्र हित के साथ साथ तुम्हारे निजी जीवन के लिए भी एक श्रेष्ठ दिशा प्रदान कर सकता है। और पूरा भूगोल, पूरा भूमंडल, जहाँ भी मानव जीवन स्थापित है, गतिशील है, उन लोगों के लिए भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, ये जो मुसलमान हैं, इनके अंदर ज़्यादा बच्चे पैदा करने का जो पागलपन है वो क्यों है। आज इसी पे आइए कुछ हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो या फिर अन्य जाति धर्मों के लोग हों, तो अब तक का जो एक मनोविज्ञान रहा है ज़्यादा बच्चे पैदा करने का, फिर चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, जब हम बचपन में थे, क्योंकि मैं हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने बचपन में सुना था अपने आसपास के बड़े बूढ़े लोगों के द्वारा जो गांव में रहते थे, तो ये गांव वाली मानसिकता थी, गंवारों की मानसिकता थी कि यदि ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा बाहुबल बढ़ेगा, ज़्यादा हम मजबूत होंगे, और कहीं पर लड़ाई झगड़ा होगा तो हम उसको अच्छे से फेस कर सकते हैं। मैं ये हिंदुओं की बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए, क्योंकि गांवों में खेतों की मेड़ के पीछे, बाउंड्री के पीछे, जहाँ पर गोबर पड़ेगा, जहाँ कचरा डालते हैं उसके पीछे बहुत तरह की लड़ाइयों के कारण थे, आपस में जलना, किसी की प्रगति को देख करके प्रतिस्पर्धा का चलने का, जुलूसी का भाव आना, है ना, किसी के खेतों में जानवर पहुंच गया तब लड़ाई हो जाना। माने आज मैं भारत के लोगों की बात कह रहा हूँ, फिर चाहे वो हिंदू या मुसलमान, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज भी कचहरी के अंदर, सरकारी न्यायालय के अंदर जितने मुकदमे, जितने केसेस, माने 70-80% जो केस चल रहे हैं वो देहाती लोगों के, गांव वालों के अंदर। उसके पीछे का कारण ये है कि गांव वाले इसलिए जल्दी आपस में लड़ पड़ते हैं क्योंकि उन किसी के चार बेटा हैं, किसी के चचेरे तहरे लगातार ना के बहुत सारे ऐसे परिवार के होते हैं, तो उनको लड़ने में मज़ा आता है, उनको डर नहीं लगता है कि हाँ उनके चार हैं तो हमारे आठ हैं, एक ईगो प्रॉब्लम होती है, इसलिए ज़्यादा वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अपराधी बन जाते हैं। अब चलते हैं इस ओर कि कुछ लोग कहते हैं कि आखिर एक तो ये लॉजिक हो ही गया, यही लॉजिक आगे जाता है, मुसलमान भी ठीक इसी तरह से सोचता है कि जब ज़्यादा बच्चे होंगे तो हम हिंदुओं का मुकाबला अच्छे से कर सकते हैं, सिख का मुकाबला कर सकते हैं, ईसाइयों का मुकाबला कर सकते हैं, या फिर हम उन पर राज कर सकते हैं। तो ये एक राजनीतिक कंसेप्ट हुआ, राजनीतिक ये सब्जेक्ट हुआ कि ज़्यादा होंगे तो हम ज़्यादा और लोगों को दबा सकते हैं, उन पर हुकूमत कर सकते हैं। तो ये सिखाता कौन है? ये सिखाते हैं तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे मौलाना लोग, तुम्हारे पीर पीर और इस तरीके के जो औलिया लोग हैं, वही सब सिखाते हैं। तो ये जो पागलपन है ज़्यादा बच्चों पैदा करने का, ये गलत है, इससे बहुत बड़ा खतरा हमारी पृथ्वी को है, हमारे निजी जीवन के लिए। पूछो कैसे, जब ज़्यादा बच्चे होंगे तो तुम उनको ठीक शिक्षा नहीं दे पाओगे, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाओगे, डॉक्टर हैं, जज हैं, वकील हैं, अधिकारी हैं, नहीं बना सकते, क्योंकि इन सबको बनाने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए। अब आप करते क्या है, जब ज़्यादा बच्चे पैदा हो जाते हैं तो तुम किसी को कार चोबी के काम में लगा देते हो, फल का ठेला लगा देते हो, है ना, कहीं पर तुम जो है सब्जी बिकवाने लगते हो अपने बच्चों से, खुद भी वही करते हो, कहीं पे कसाई खाने में लगा देते हो, बूचड़ खाने में, कहीं पर तुम टायर पंक्चर की दुकान पे लगा देते हो, तो क्या तुम्हारे या हमारे बच्चे केवल इसीलिए पैदा होते हैं, मेहनत और मजदूरी करने के लिए? क्या कभी तुम्हारे दिल में ये इच्छा नहीं उठती है कि हम अपने बच्चों को अधिकारी भी बनाएं, डॉक्टर और वैज्ञानिक भी बनाएं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तरह? नहीं उठती है ना,
क्योंकि तुम्हारे जो मदरसे हैं, क्योंकि जो तुम्हारी मस्जिदें हैं, वहाँ पर यही सिखाया जाता है, ज़्यादा बच्चे पैदा करो, हुकूमत करो। एक चीज़ ध्यान रखना, शिक्षा के अभाव के कारण ही अराजकता फैलती है, धन के अभाव के कारण भी अराजकता, बेईमानी, भ्रष्टाचार को, चोरी को, डकैती को बढ़ावा मिलता है। अब आप देख लीजिए कि ज़्यादा जहाँ पर मुसलमान हैं वहाँ पे सुख शांति नाम की चीज़ नहीं। एक अरब कंट्री को छोड़ दिया जाए तो विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर मुसलमान सुख शांति से रहते हो। और अरब में इसलिए रहते हैं क्योंकि वहाँ पे सख्त कानून है। तो कहने का अर्थ यह है कि जब तक मोटा और लंबा डंडा नहीं किया जाएगा तुम्हारे, तब तक तुम शांति से नहीं रहोगे। आप लीबिया देख लो, सीरिया देख लो, इराक देख लो, ईरान देख लो, अफगानिस्तान देख लो, पाकिस्तान देख लो, बांग्लादेश देख लो, यहाँ पर कानून का डंडा मजबूत नहीं है, इसीलिए तुम लोग आपस में ही एकदम से जानवर की तरह लड़ते हो, झगड़ते हो। और मजे की बात यह है, जहाँ पर मुस्लिम प्रधान कंट्री हैं, देश हैं, वहाँ पर कोई हिंदू हमला नहीं करता है किसी के मस्जिद में जा करके। हिंदू ने तो अभी भारत में भी कहीं मस्जिद में किसी ने बम नहीं डाला है, कोई हमला नहीं किया है। लेकिन तुम मुसलमान हो करके, मुसलमान पाकिस्तान में ही देख लो, कितने आपस में हमला करते हो। एक स्कूल के बाद 10 10 साल हो गए लगभग, एक स्कूल में है ना, पाकिस्तान में एक आर्मी के बच्चों का स्कूल था, वहाँ पर बम ब्लास्ट किया स्टेन गन से, AK-47 से, बहुत सारे टीचर्स मारे गए, बच्चे 200 से लेके 400 लोगों की हत्या की गई। तो वहाँ पर यह है, झगड़ा की वजह क्या है, क्योंकि तुम लोग सोचते हो ज़्यादा बच्चे हैं, अल्लाह के नाम पर मर जाएंगे, कट जाएंगे। कौन से ज़माने में तुम लोग जी रहे हो? आज हम सब लोगों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है मानव के कल्याण के लिए, ताकि ऊपर वाला भी खुश हो, मिलजुल करके रहें। और ये पागलपन छोड़ो, ज़्यादा बच्चे होंगे, भूखे नंगे रहेंगे, चोर डकैत बनेंगे, आतंकवादी बनेंगे, गंवार बनेंगे। तो मिलके आज आप संकल्प लें, हम सब लोग मिलकर के, और हिंदुओं से भी कहूँगा कि वैसे हिंदू तो कम बच्चे पैदा करने के ही पक्ष में है, सिख हैं, पंजाबी हैं, सभी लोग, और जल्दी से जल्दी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करवाएं, प्रधानमंत्री से कह करके सभी लोग सोशल मीडिया पे अपने इन अच्छे विचारों को वायरल करें, इधर उधर भेजें। चाहो तो इस वीडियो को भी भेज सकते हैं, ताकि आदित्यनाथ हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, और उत्तराखंड के हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जहाँ जहाँ भी बीजेपी की सरकार है, कर्नाटक का है, वहाँ के लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने स्टेट में जनसंख्या नियंत्रण बिल लाएं और सख्ती से लागू करें। हमेशा ध्यान रखना, जब ज़्यादा लोग होंगे तो खाएंगे क्या, पृथ्वी छोटी हो जाएगी, भार बढ़ जाएगा। तुम लोग कहते हो कि अल्लाह की देन, अल्लाह की देन नहीं, अगर तुम अपनी औरत पे 4 बार चढ़ो ना जाके, सेक्स ना करो, तो क्या अल्लाह या भगवान ऊपर से डाल देगा? विचार का विषय है और आनंद का विषय है। इसलिए धर्म को तमाशा मत बनाओ, धर्म की आड़ लेकर के अराजकता को पैदा मत करो। एक बच्चा करो, दो बच्चा करो, उनको बेहतर शिक्षा दो, स्वास्थ्य दो, खाने पीने को दो। जब उनको खाने पीने पहनने को नहीं होगा तो वो चोर डकैत उग्रवादी तो बनेंगे ही, फिर चाहे वह हिंदू के बच्चे हों या मुसलमानों के हों। तो मेरा तो सुझाव है, मानना ना मानना आपका फर्ज है। ओम शांति, ओम क्रांति। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सबका भला हो।